विभाग के फर्जी कर्मचारी बनकर अवैध वसूली करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए दो आरोपी जो फरार थे उनको गिरफ्तार किया है। यह मामला शहडोल जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र का है, जहां गुरुवार को राकेश पांडे निवास वार्ड नंबर 1 जैतपुर तिराहा द्वारा टेलीफोन पर सूचना दी गई कि उसके घर में चार व्यक्ति आए हुए हैं और अपने आप को बिजली विभाग के कर्मचारी बताकर घर के अंदर घुसकर फोटो खींचकर बिजली चोरी का आरोप लगा रहे हैं। जैसे ही पुलिस की बात सामने आई तो चार आरोपियों में से दो आरोपी वहां से चपत हो गए, लेकिन बुढ़ार पुलिस की सूझबूझ के कारण दो आरोपी परवेज खान उम्र 36 वर्ष एवं अहमद खान दोनों निवासी धनपुरी को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध धारा 170, 417, 419 व 34 का मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। वहीं फरार दोनों आरोपी हैदर अली निवासी धनपुरी एवं बबलू इलियास नंबर 1 की पुलिस द्वारा सरगर्मी के साथ तलाश की जा रही है। यहाँ कल ये राकेश पांडे जी हैं, इनके घर में कुछ चार लोग फर्जी बिजली कर्मचारी बन के गए थे कि हम मीटर रीडिंग लेने आए हैं और आप बिजली चोरी कर रहे हैं। इस तरीके से घर में जाके फोटो वगैरह खींचने लगे। राकेश पांडे जी को उसमें शंका हुई तो उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि ऐसा ऐसा चार लोग आए हुए हैं और फर्जी बिजली वाले मुझे लग रहे हैं। जब वो मुझे फ़ोन कर रहे थे, शायद चूँकि फर्जी थे तो उनमें से दो लोग तो भाग दिए और मैंने तुरंत पुलिस को भेजा। पुलिस ने जाके हमारा स्टाफ जो गया उन्हें पकड़ के जब लाए, उनसे पूछताछ किया तो वो एक तो परवेज खान था और दूसरा अमजद, ये दोनों धरपुरी के रहने वाले थे और ये फर्जी बिजली विभाग के कर्मचारी बन के वसूली करने गए थे और जिसको हमने गिरफ्तार किया। दो लोग, एक तो हैदर मुसलमान वो भी धनपुरी का और एक बबलू मुसलमान वो भी धनपुरी का, वो दोनों मौके का फ़ायदा उठा के भाग गए थे, जिनको तलाश कर रहे हैं। इनको पकड़ने के बाद हमने इनके खिलाफ अपराध क्रमांक 478/20 धारा 170 419 417 कायम किया है। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं, दो की तलाश जारी है। निश्चित तौर पर ये चार लोग हैं तो एक गिरोह बन के इस तरीके से लोगों के घरों में जा के बेवकूफ़ बनाते हैं और पैसा अवैध वसूली करते हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शहडोल से अनिल लहंगीर की।